नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। सरकार ने स्कूल पर छोड़ा फैसला, छोटे बच्चों को बुलाओ या ऑनलाइन लगाओ कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्तर के छात्रों को कक्षाओं में बुलाने का फैसला स्कूल पर छोड़ दिया। 9 नवंबर को लिए गए फैसले में शिक्षा विभाग ने संशोधन किया है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से संशोधित आदेशों में कहा गया कि सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्ध स्कूल प्राइमरी स्तर के छात्रों को कक्षाओं में बुलाने के लिए अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं। निजी स्कूल पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन से चर्चा कर इस संदर्भ में आगामी फैसला ले सकते हैं। वहीं राज्य के सरकारी स्कूल और स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से संबद्ध निजी स्कूल 9 नवंबर को जारी हुए आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। हिमाचल में तेज रफ्तार का कहर, एनएच पर स्कूटी को घसीटता हुआ ले गया जीप चालक। हिमाचल प्रदेश के सड़कों पर वाहन चालकों की लापरवाही के कारण सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामले में देर रात चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 पर सुंदरनगर के नरेश चौक के समीप एक तेज रफ्तार जीप पहले स्कूटी को 200 मीटर तक घसीटती हुई ले गई और मौके पर मौजूद कार को भी टक्कर मार दी। अफरा तफरी के माहौल में स्थानीय लोगों के द्वारा जीप चालक को दबोच लिया गया और उसकी जमकर धुनाई भी कर डाली। वहीं मामले की सूचना बीएसएल पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। पर्यटन को बढ़ा देने चंबा में हुआ माउंटेन बाइक एडवेंचर राइड का शुभारंभ। जिला चंबा में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो चलो चंबा कार्यक्रम में शुरू किया गया है, उसी के तहत आज डलहौजी माउंटेन बाइक एडवेंचर राइड डलहौजी 2021 का शुभारंभ किया गया, जिसमें डलहौजी के नेहरू पार्क से देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए साइकिल राइडर्स को हरी झंडी दिखाकर एसडीएम जगन ठाकुर ने रवाना किया। इस अवसर पर एसडीएम डलहौजी जगन ठाकुर ने बताया कि जिला चंबा में डलहौजी सहित अन्य स्थानों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इस एडवेंचर राइड का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए साइकिल राइडरों को डलहौजी से रवाना किया गया। संजौली के इंजन घर वार्ड में मकान में लगी आग, मचा हड़कंप। राजधानी शिमला में संजौली के इंजन घर वार्ड में एक मकान में अचानक आग लग गई। सुबह करीब 10:30 बजे छोटा शिमला स्थित अग्निशमन कार्यालय को मकान में आग लगने की सूचना मिली। माल रोड से भी अग्निशमन कर्मचारी गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे। अग्निशमन कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों की मदद से 1 घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।